मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आप लोगों से ये बताया था कि अगर आपका कोई नया चैनल है, जिस भी कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हो, तो अपने चैनल पे एक अपना इंट्रो वीडियो बना करके अपलोड करो। मैंने बताया था ये बात। और अगर आपका चैनल ऐसा है कि जिसपे आप फेस नहीं दिखाते, अपना चेहरा नहीं दिखाते, सिर्फ अपनी आवाज़ दे करके अपनी वीडियो क्रिएट करते हो आप, उस कंडीशन में, या फिर आपका चैनल ऐसा है जिसमें आप अपना चेहरा ऑलरेडी दिखाते हो, दोनों ही कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही कंडीशन में आपको इस तरह की वीडियो क्रिएट करना चाहिए। यानी कि अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, अपने चैनल पे सिर्फ वॉइस ओवर करके ही अपने वीडियो को क्रिएट करते हो, तो उस कंडीशन में एक इंट्रो वीडियो बनाओ जिसमें आप अपने चैनल से रिलेटेड पिक्चर्स को यूज करना, और यूज करते हुए उसमें टेक्स्ट लिखना और अपनी वीडियो को बना करके एडिट करके अपलोड करना, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जिसमें आप ऑलरेडी अपना फेस दिखाते हो, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखिए, करना क्या है कि आप जिस भी कैटेगरी के अंदर अपनी वीडियो क्रिएट कर रहे हो, वो स्टडी से रिलेटेड है, टेक्स रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, या फिर कोई अदर टॉपिक हो, जिस भी टॉपिक में आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले अगर आप फेस कैम बना रहे हो, तो अगर आप चेहरा दिखाने वाले हो इंट्रो वीडियो के लिए अपने, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले आपने कैमरे के सामने आकर के वीडियो नहीं बनाई होगी। तो जब भी आप कैमरा सेट करते हो अपनी वीडियो बनाने के लिए, तो जब वीडियो बना रहे हो आप अपने मतलब कैमरे के सामने होकर के बोलना आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहे हो या फिर बैक कैमरे से, दोनों ही कंडीशन में जो कैमरा का लेंस होता है सेम टू सेम उसके ऊपर आपको देख करके बोलना है। याद रखिएगा, डिस्प्ले पे मत देखिएगा, डायरेक्ट कैमरे के लेंस पे देखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आपका चैनल है, जब आप अपना इंट्रो वीडियो बना रहे होगे, तो जो इंट्रो वीडियो है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रखनी है आपको, 2 से 3 मिनट काफ़ी है, इतना में आप अपनी इंट्रो वीडियो को समअप कर देना है, सब कुछ बता देना है। तो करना क्या है कि जब आप अपना इंट्रो वीडियो स्टार्ट करोगे, आपका चैनल वॉइस ओवर का है या फिर फेस कैम वाला है, दोनों ही कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको करना क्या है कि पहले आकर के अपना नाम बताओ आप, कि आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये भी आप बता सकते हो अगर मन है तो, नहीं भी बताया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना नाम बताया, नाम बताने के बाद आप ऑलरेडी करते क्या हो थोड़ा सा वो बताया, उसके बाद डायरेक्ट अपने चैनल के बारे में बताना है कि मेरे चैनल का नाम ये है और मैं अपने चैनल पर इस टाइप की वीडियोज बनाने वाली हूँ, चाहे बनाने वाला हूँ, जिस भी कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हो उस वीडियो के बारे में आप बताओगे कि इस टाइप की वीडियोज मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा या फिर वीक में एक अपलोड करूँगा, जिस भी तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि उस 2 से 3 मिनट के इंट्रो वीडियो में आपको अपने चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी अपनी ऑडियंस को दे देनी है, कि आप कौन हो, कहाँ से हो, किस तरह के वीडियोज अपने चैनल पर बना रहे हो, रेगुलर वीडियो बनाओगे या फिर वीक में 2 वीडियो बनाओगे, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, और आप लोगों को किस किस टाइप की वीडियोज हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, मैं अपने चैनल पर और आगे क्या क्या करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें थोड़े से कम शब्दों में आपको बता करके एक इंट्रो वीडियो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद उस वीडियो को अच्छे से एडिट कीजिए, उसमें टेक्स्ट वगैरह का भी यूज कीजिए, ठीक है। ये सब कुछ कर लेने के बाद एक बेहतरीन सा थंबनेल बनाओ आप, ठीक है। माई इंट्रो करके उस थंबनेल को बनाओ, उस पर अपनी पिक्चर लगाओ, अगर आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हो, अगर पॉसिबल है, कहने का मतलब है कि अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने उस थंबनेल पे अपनी खुद की पिक्चर जरूर ऐड करें, ठीक है। उसको अपनी पिक्चर को वहाँ पे ऐड करें, उसके बाद लिखे माय इंट्रो, ठीक है। इस तरीके का टाइटल आप थंबनेल पे दोगे, और जो टाइटल आप लिखोगे वीडियो के लिए वो टाइटल भी आप लिख सकते हो, माय फर्स्ट इंट्रो, उसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स अपने चैनल से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें लिखो, और ये सब कुछ करके अपने चैनल पे उस वीडियो को अपलोड करो, पब्लिश करो, अगर आपने ऐसा अभी तक नहीं किया है तो। इस चीज़ को ट्राई करना आप, क्योंकि इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे चैनल पे, तो इसलिए इस चीज़ को आपको ट्राई करना है, अपनी एक छोटी सी इंट्रो वीडियो क्रिएट करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, छोटे सा ही, कम ही ड्यूरेशन रखो आप, 2 से 3 मिनट की ड्यूरेशन रखो, इसी के अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स बता करके अपलोड कर दो। कम ड्यूरेशन की वीडियो रहेगी, लोग क्लिक करेंगे, पूरा देख भी लेंगे, उससे वॉच टाइम भी आपको मिल जाएगा, CTR भी अच्छा जाएगा आपकी वीडियोज़ का, मतलब सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए एक इंट्रो वीडियो बना, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पेपर पे लिख लो कि क्या क्या मैं बोलूँगा अपनी वीडियो में, वो सब कुछ लिख लो, उसके बाद एक इंट्रो वीडियो शूट करो और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। Thanks for watching.